अरे बद्रू वो महेश भाई तुम्हें तो पोटियों से दूर भागते थे ना, आज ये पोटियों के आश्रम के सामने क्या कर रहे हैं? हाय हाय। अरे हुआ ऐसे कि वो साइकिल से साइकिल टकरा गई ना। अयो आपका दिल भी टकरा गया क्या? ऐसे कुछ है, अब तो उनके बगैर जिया भी नहीं जाता, पर समझ में नहीं आता कि दूसरी मुलाकात कैसे करूं। मैं समझाता हूँ ना, ये आपके सर को क्या लगा है? हाँ वो साइकिल टकराने से चोट लग गई। और ये पट्टी कौन बना? ये भी उन्होंने ही बांधी है अपनी साड़ी फाड़ के। महेश भाई आपका काम बन गया, अब एक नई साड़ी खरीद को उनको जाको दे डालो। होता साड़ी खरीदने के लिए मुझे वो झाड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिसपे नोट लटकते हैं। अरे झाड़ी काई को, इतना बड़ा झाड़ जो खड़ा है तुम्हारे सामने, ये लो पैसे साड़ी खरीद को दे डालो। अरे नहीं नहीं बद्रू, नौकरी ढूंढने के लिए तो वैसे ही तुमसे पैसे लेता रहता हूँ। महेश भाई ये पूरी दुनिया में आपका मेरे सिवा कोई नहीं, और मेरा भी आपके सिवा कोई नहीं ना। ये रखो पैसे, साड़ी खरीद को मेरे होने वाले भाभी को दे डालो। एक्सक्यूज मी। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? आपके लिए साड़ी लाया हूँ, उस दिन आपकी साड़ी खराब हो गई थी ना मुझे पट्टी बांधने में। देखिए हम आपका नाम पूछना भूल गए। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आपको अपना नाम बताने। मेरा नाम महेश है, मेरी कहानी भी आप जैसी है, जात पात का पता नहीं। मैं भी आपकी तरह गुरुजी को मिल गया था, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, वो भी फर्स्ट क्लास, और आजकल मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। रेशमा सिस्टर सुप्रियर बुला रही है, कल नवीना जाना है ना? यार बद्रू समझ में नहीं आता कि सिस्टर सुप्रियर से शादी की बात कैसे करूं। तुम्हें फिकर न करो महेश भाई, ये फादर सुपीरियर है ना यहाँ पर, मैं वहाँ दूल्हे का मामा बन के जाऊंगा। अच्छा तो आप महेश के बाप हैं? आओ मैं इनका एक लौता बाप हूँ और इनो मेरे एक लौते बेटे हैं। देन ऐसा बेटा दूसरों को तो क्या, मेरे को खुद को नहीं हुआ ना वहाँ। देन इनो धन धन बहुत कर रहे हैं, कहीं दहेज तो नहीं मांग रही मेरे से? अबे धन धन नहीं, देन यानी कि आगे बोलो। ओ बोलता हूँ ना, वैसे रिश्ते तो बल्ला क्या है, लेकिन मैं कबूल नहीं किया, लेकिन जब से महेश भाई मेरे को रेशमा भाभी के बारे में बोले ना मैं मान गया। भाभी भाई और तुम बाबा? अयो मैं गड़बड़ कर दिया ना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर को मैं फंस गया। फंस तो तुम उसी वक्त गए थे जब तुम यहाँ आए थे। तुम हमको एक बात बताओ, तुम बात तो हैदराबादी जैसा करता है, लेकिन तुम्हारा ये दाढ़ी राजस्थानी है। वो किस्सा क्या है ना सिस्टर, हमारी अम्मा हैदराबाद की और हमारे बाबा राजस्थान के, इसलिए हमारी दाढ़ी उल्टी आती। देखो अयो पूरे हाथ में आ गई ना, पोल खुल गया। पोल तो उसी दिन खुल गया था जब रेशमा ने हमको सब कुछ बता दिया था कि महेश भी अनाथ आश्रम से है, ग्रेजुएट है, नौकरी ढूंढता है और रेशमा से प्यार करता है, और तुम महेश का दोस्त है, तुम्हारा नाम बद्रू है और हमको लड़का पसंद है। अब क्या होगा? मैं बताती हूँ ना, अब क्या होगा, शादी होगा। कांग्रेचुलेशन। एक बात बोलूं सिस्टर? बोलो। मेरे को ऐसी खसम की शादियाँ बहुत अच्छी लगती ना। देखो ना, कोई जात का लफड़ा नहीं, कोई पात का लफड़ा नहीं, कोई दहेज का लफड़ा नहीं, कोई डाउरी का लफड़ा नहीं, और खर्चा भी कम, मेहमान अच्छे नहीं। साइन करो, साइन ना आए तो अंगूठा लगाओ, हो गई शादी। तुम बराबर बोलता बद्रू। एक बात और बोलूं सिस्टर? बोलो। तुम्हारे आश्रम में कोई मेरे लायक? देखो बद्रू, तुम सिस्टर के साथ बदमाशी करोगे ना? नहीं। तो सिस्टर तो गर्दन दबा लेगी ना? हल्लू 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 सिस्टर हल्लू। रेशमा
ऊपर वाले ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब एक इच्छा और है कि हमारा भी वंश हो, इंसानों का वंश। मेरी भी यही आरजू है महेश। अरे ये क्या है? मशीन है, सोचा कि अड़ोस पड़ोस की कपड़े सीऊंगी। अच्छी बात है, मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। बदरू, तेरे को खुशखबरी सुनाता हूं। सुनाओ। मेरे को बच्चा होने वाला है। ओले जैसी बात कर रहे भाई, तुम्हारे कुका से बच्चा पैदा होएगा, शायद भाभी को होने वाला होएगा। अरे तू तू समझ गया कि नहीं समझ गया? एक ही बात है। आओ, अब समझ गया। भाई बतूर, भाई बतूर, ताला। अरे कहाँ गए रे सब लोग? अरे बिटिया 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 सुन जरा, ये महेश अंकल कहाँ को गए? उनके पेट में दर्द था तो आंटी उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने गई। उल्टा बोल रही ना, आंटी के पेट में दर्द होएगा, अंकल उनको लेकर हॉस्पिटल गए होंगे। हाँ। आओ निकल निकल। साहब आओ। महेश बाबू किधर? महेश अंकल के पेट में दर्द था, आंटी उनको लेकर हॉस्पिटल गई। उनका लेटर है। पढ़कर सुना ना बाबा, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ खोल। उनको फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली। सरकारी नौकरी? क्या? जी हाँ। सलाम सिस्टर। अरे बच्चे का पैदा होते महेश भाई, महेश भाई क्या हुआ? बदरू तेरी भाभी। अयो मेरी भाभी चली गई, मेरी भाभी। अरे उल्लू, मैं बाप बन गया और तू चाचा बन गया। अयो तो ऐसा बोलो ना। उन छिलक रहे, ये हॉस्पिटल है। लेकिन महेश भाई, मैं आपके लिए भी खुशखबरी लाया ना। क्या? देखो तुमको सरकारी नौकरी मिल गई, फॉरेस्ट ऑफिसर की। हाँ, अब तो सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, हंगामा ही हंगामा। लेकिन महेश भाई एक बात बोलता हूँ, मेरे भतीजे का नाम तुम लक्की रखना। देखो क्या लक लेकर आया। देख बत्रू, आज तक जिंदगी में जो कुछ अच्छा हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाला। हाँ। उसके बाद तेरा एहसान है मुझ पे। एहसान का नाम नक्को लो, वरना मैं तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हाँ। अरे अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं एहसान का नाम नहीं लूंगा। अब तो खुश तू देखना, मैं मेरे बेटे को लेफ्ट राइट वेरी गुड। मम्मी देखो स्कूल जाने का है। हाँ। कम इन। आप ही हेडमास्टर हैं? ये तो ऐसी बात हुई, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम रोते क्यों हो? मैंने कहा मेरी सूरत ही ऐसी है। आप हेडमास्टर के रूम में आए हैं ना? जी हेडमास्टर। मैं आपको चपरासी लगता हूँ? जी नहीं। सूरत में मत जाइए, सीरत पे जाइए, पोजीशन पे जाइए। आप घबराइए नहीं, आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या है कि मेरी एक साइड की बत्ती है ना, जलती है और बुझती है। मैं अपनी बहन से भी ऐसी बातें करता हूँ, मेरी माँ से भी ऐसी बातें करता हूँ। मैंने आपके बच्चे की रिपोर्ट देखी है, आपका बच्चा बड़ा होशियार है, हर टेस्ट में पास है। लेकिन 25,000 डोनेशन देने पड़ेंगे आपको, 15,000 कैश और 10,000 स्कूल के नाम पर चेक। 25,000? आजकल हमारी कंट्री में हर डिपार्टमेंट में यही रेशियो चल रहा है। इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो आप अपने बच्चे को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दीजिए, बड़ा होते ही म्युनिसिपैलिटी में भर्ती हो जाएगा। चले गए। महेश भाई, महेश भाई, लकी के स्कूल का एडमिशन हो गया क्या? अरे नहीं यार, वो लोग 25,000 डोनेशन मांग रहे हैं। 25,000? और नहीं तो क्या, मैं बिक भी जाऊँ ना तो इतनी रकम नहीं ला सकता। अयो बेके तुम्हारे दुश्मन, 25,000 भी कोई रकम है क्या? तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू हातिमताई है ना। तो आप पे भी हातिमताई के भाई हैं। देखो महेश भाई, एक ट्रक में संदल की लकड़ियां डाल को स्मगलर को दे डालो। तेरा मतलब मैं रिश्वत लूं? रिश्वत नहीं भाई, आजकल इसको मेहनताना बोलते हैं। अरे मेहनताना तो मेरी तनख्वाह है, और तू जो बोल रहा है वो हराम की कमाई है,
और मैं हराम की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अयो तो ये मियाँ भाभी हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाता है। मैं अभी जाको बिस्मिल्लाह बोल को अपनी रिक्शा को हलाल करके आता हूँ। अरे बदू, अरे अरे बदू सुन सुन, अरे मैं कम इन सर। रोकड़ा लाए हो ना? जी हाँ, ये कैश और ये रहा चेक। 15,000 कैश यहाँ रख दो जल्दी। वेरी गुड। और 10,000 का चेक कैशर के पास जमा कर दो और कल से बच्चे को स्कूल भेज दो। थैंक यू थैंक यू। व्हाट अ सरप्राइज। आशा तुम? अरे रेशमा तुम लखनऊ से कब आई? हमें यहाँ आके काफी दिन हो गए हैं। और तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई हूँ। ये मेरी बेटी लता है। अच्छा बेटा, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और ये है मेरा बेटा लकी, इसको भी यहाँ एडमिशन मिल गया। बहुत स्वीट है। अपने बाप पर गया है ना। ये मेरे हस्बैंड महेश है और ये मेरी लखनऊ की सहेली आशा है। हेलो। इनके हस्बैंड एक बड़े ट्रैवल एजेंट है। है नहीं थे, ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करते करते लंबी ट्रैवलिंग पे चले गए। अरे इतनी संजीदा बात और आप हंस के बोल रही हैं? भाई साहब जिंदगी एक मजाक है, हंसते हंसते गुजार दे। एनीवे आप लोग बैठकर बात करो, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। चलो चलो। मैडम आई एम महेश, ये रहा चेक और नाम बच्चे का। मैं वर्सोवा कोलीवाड़ा में रहती हूँ, जहाँ 4 बंगले के पास एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है। अच्छा। वहाँ मैं काम करती हूँ। ये है मेरा कार्ड, कभी टाइम मिले तो आना ना। लकी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। बदरू, कल एक हाथी ने नशे का झाड़ खा लिया महुआ का, और उसके बाद 4-5 आदमियों को मार दिया, पूरा का पूरा गांव सत्यानाश कर दिया। जब इंसान नशा कर को हैवान बन जाता तो हैवान नशा कर को शैतान ही बनेगा ना क्या? डैडी मैं भी सिगरेट पीऊंगा। हाँ पियो बेटा। अरे वाह, बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। अभी ये पेपरमिंट का सिगरेट पी रहा है, कल ये असली सिगरेट पिएगा ना तब आपको पता चलेगा। आओ बाबी बिल्कुल ठीक बोलती है। मानता हूँ भाई मानता हूँ। लो ये सिगरेट गई, ये माचिस गई और ये पूरा का पूरा पैकेट गया। अपना सिगरेट बंद। वेरी गुड। ए तेरे को ऐसा सिगरेट पीना कौन सिखाया? कल मैं साथ चल को मेरे को बताना, बताएंगा ना मैं साले को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। आओ आओ बेटा। ले बेटा ले, सुट्टा मारा नाक से धुआं निकालो तब मजा आएगा। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बता रे, कहाँ है रे वो सिगरेट वाला? हाँ नाक से धुआं निकालो। अरे वाह महेश भाई, तुम्हें यहाँ खड़ को तमाशा देखो, मैं इस टकले की क्या हजामत करता हूँ। ताऊ रे टकलू। अरे शाबाश। ए ए तुम्हें लोग स्कूल में सिगरेट पीने को आते या पढ़ने को आते हैं? बोलूं क्या हेडमास्टर को? चल रे भाग रे भाग। अरे लकी बैठ यहाँ पर तू। हाँ रे टकलू, तू ये बच्चे लोगों को सिगरेट पीना काहे को सिखाता रे? अरे भैया हम इन लोगों का सिखावत नहीं है। आइंदा तू ये बच्चों को सिगरेट बेचा ना तो मैं तेरे को बेच डालूंगा। अरे जा जा, तुम्हें जैसे लाखों लोगों का हम देखा है। अयो अभी देखा कहाँ है रे, अभी तो तेरे को दिखाऊंगा मैं टकलू।